दिनेश और गणेश गुप्ता। गोरखपुर का ये परिवार बीते करीब 50 वर्षों से मुंबई के अंधेरी इलाके में सब्जी बेच रहा है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत बीएमसी ने इन्हें 10,000 का लोन तो दिलवाया, लेकिन आए दिन पुलिस की कार्रवाई में कभी ये लॉकअप पहुंच जाते हैं या 1200 का जुर्माना भरते हैं। सवाल पूछते हैं, लोन तो सैंक्शन करके दे दिया, लेकिन बिना लाइसेंस धंधा हो तो कैसे? पुलिस की कार्रवाई तो इतना तगड़ा है कि हर टाइम वो लोग आते हैं। लास्ट टाइम हमें क्या पावती हमारे पास है, 24/12 को भरे थे, 1200 रुपए भरे थे। सरकार इस पे हम लोग को देखे, लोन अगर दे रही है तो असूलने की काम ना करें। आप एक तरफ से लोन देंगे, दूसरे बाजू से असूलेंगे, तो हम लोग भरेंगे कहाँ से? आप भरेंगे कहाँ से और खाएंगे कहाँ से, अपने परिवार कहाँ से चलाएंगे? राजू, आप करांडे और दिलीप गुप्ता को भी 10,000 का लोन एक साल पहले मिल चुका है, अब दूसरे की तैयारी है, पर कहते हैं लोन का पैसा फाइन भरने में ही निकल रहा है। एक हाथ से दे रहे हो, दूसरे हाथ से ले रहे हो। लोन दिया तो मतलब वो बीएमसी में जानो, आप बीएमसी ने से लोन दिया ना आपको, तो बीएमसी और तुम जानो, ये ऊपर से ऑर्डर आया हम लोग को उठाने का। अच्छा। फेरे वाले रोड पे नहीं बैठने का बोलता है। जो सर्वे हुआ था उसी के हिसाब से उन्होंने लोन पास किए थे। सर्वे के बाद लोन पास किया है। पुलिस की कार्रवाई भी होती है क्योंकि कभी नहीं था ये, अब भी चालू किए लोग ज्यादा करके। कितने दिनों से ये? आज ये महीने, 2 महीने से ज्यादा चल रहा है लोग का। वो लोग कुछ नहीं सुनते, वो बोले गवर्नमेंट दिया है, आपको दिया है। अच्छा। इससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं, हम अपनी कार्रवाई करेंगे, आपकी दुकान यहाँ से हटेगी। तो अब आपको लाइसेंस मिले, इसके लिए आप लोग क्या कोशिश कर रहे हैं? हम लोग सोच रहे हैं मैडम कि लाइसेंस मिल जाए, आराम से हम लोग बैठे धंधा करें, और क्या, ये हम लोग चाह रहे हैं बस, बाकी और कुछ ज्यादा कुछ क्या। मुंबई के करीब 15,000 रेहड़ी पटरी वालों की आजाद हॉकर्स यूनियन के जयशंकर सिंह बताते हैं कि इनसे जुड़े करीब 70% विक्रेताओं को लोन मिल चुका है। ऐसे में अब हॉकर्स के लिए अलग व्यवस्था होनी बेहद जरूरी है। मुंबई में इतनी जगह की कमी है, ट्रैफिक बड़ी समस्या है, तो हॉकर्स को लेकर हमेशा आम लोगों का यहाँ पे प्रोटेस्ट भी होता रहा है, वो परेशान रहे हैं। जो उम्मीद है लाइसेंस मिलने की लोगों को, वो हो पाएगा? नहीं, आपने जो कहा कि ट्रैफिक जाम होता है, ये सारी चीजें होते हैं आम लोगों को समस्या, आप सोचिए कि अगर अंधेरी में 10 रुपए की धनिया किसी को लेना हो तो वो दादर और वाशी तो जाएगा नहीं। अच्छा, मान लीजिए फेरी वालों को आप हटा देते हैं, तो महाराष्ट्र सरकार का दूध सेंटर है, महाराष्ट्र सरकार के स्टॉल्स हैं, वो भी तो फुटपाथ पे ही हैं। जो लाइसेंस 1968 तक दिया गया है, वो सारे स्टॉल भी फुटपाथ पे हैं, तो वहाँ से पब्लिक कैसे चलेगी? तो मेरे कहने का मतलब है कि पब्लिक भी चले और लोगों को नजदीक में व्यवस्था उस तरह से की जाए कि फेरी वाला भी बैठे, चार्ज मारना उसका विकल्प नहीं है। जिनका रोजगार कोरोना महामारी के दौरान बुरी तरह से चौपट हुआ, ऐसे लोगों की मदद के लिए सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की, जिसमें बिना किसी गारंटी के सरकार लोन दे रही है। खास तौर पर ये रेहड़ी पटरी वालों के लिए है, लेकिन आर्थिक राजधानी की जमीनी समस्याओं के बीच ये लोन इन्हें कुछ खास राहत नहीं पहुंचा पा रही। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया।